बिना किसी शक के हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन अंग्रेजी ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर ना एक्सेप्शन रूल एक्सेप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग के पास आता है एज टीचर्स कि प्लीज प्रेपोजिशन पे क्लास बनाइए या प्रेपोजिशन टॉपिक को एक्सप्लेन करिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी क्लासेस पढ़ने के बाद भी, किताबें पढ़ने के बाद भी, कुछ ना कुछ प्रेपोजिशंस में कंफ्यूजन बना ही रहता है। बिकॉज हैंड्स डाउन बिना किसी शक के हम ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन अंग्रेजी ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर ना एक्सेप्शन रूल एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लेकिन आज के इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं कि आपकी जो प्रेपोजिशन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो आपके साथ शेयर करें और आपके जो इन ऑन एट के कन्फ्यूजन्स हैं उनको भी दूर कर सकें। सो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आपका ये सेशन। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी दो सवाल, आपको उसका आंसर लिख लेना है और मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद कन्फर्म करूंगी कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। So question number one is here on your screen. They are called dash different names. Blank में जो कुछ भी fill करना है अपने पास लिख लीजिए। Number two, this is a comfortable house to live dash. जो कुछ भी आपको यहाँ पर fill करना है आप लिख करके रख लीजिए, confirmation मिलेगा video के end में। आइए शुरू करते हैं कि भाई in का use, on का use और at का use हम कैसे समझें। तो सबसे पहले दोस्त, preposition होता क्या है? प्रेपोजिशन आपका एक वर्ड का, एक नाउन का बचे हुए सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है, क्या उसका सेंस बन रहा है, ये एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स होते हैं। और प्रेपोजिशन दो तीन चीजें आपको बताता है, जैसे कि एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और तीसरा होता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सो आज हम धीरे धीरे देखते हैं कि हर वर्ड इन को क्या कभी प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कभी टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऑन को एट को कहाँ कैसे कब यूज करना है, सारी चीजें कवर करेंगे। फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन का यूज हम सबसे पहले कहाँ पर करते हैं? इनको हम यूज करते हैं जब भी हम किसी अनस्पेसिफिक यानी कोई निश्चित वक्त नहीं है उसको बताने के लिए यूज कर रहे हैं। अनस्पेसिफिक टाइम ऑफ डे हो सकता है, टाइम ऑफ मंथ हो सकता है, टाइम ऑफ सीजन भी हो सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पर टाइम ऑफ डे के सेंस में मॉर्निंग को रखा, सुबह का समय। सो आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। माई बर्थडे इज इन जून। अब ये साल का कोई नॉन स्पेसिफिक टाइम है, जून। मैंने आपको कोई डेट नहीं बताई है, कोई भी आपको वक्त नहीं दिया है, बस रैंडमली बोला है कि 12 महीने में से जून के महीने में मेरा जन्मदिवस होता है। नेक्स्ट, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में हमेशा ठंड पड़ती है। तो अक्टूबर में 15 तारीख को पड़ती है या 12 तारीख को, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने आपको एक अनस्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करने के लिए इन का यूज कैसे करना है ये बताया। और लास्ट एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दें, मैं आपसे कहती हूँ माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन 1989। तो अब अगेन मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा मंथ था, कौन सा डेट था या फिर कौन सा टाइम था। मैंने आपको सिर्फ एक अनस्पेसिफिक टाइम 1999 बोला है। तो उसमें तो 12 महीने आए होंगे, 12 महीने के अंदर बहुत सारे दिन और बहुत सारे टाइम्स, राइट? नंबर टू, हमारा कौन सा अगला यूज होता है इन का? जब भी हम बात कर रहे होते हैं अबाउट प्लेसेस, वहां पर भी हम इनको यूज करते हैं स्पेसिफिकली टू इंडिकेट अ लोकेशन और प्लेस विद बाउंड्री। जब भी हमारे पास कोई ऐसी जगह होती है जो कि हम जिसके बाउंड्री को फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, तब हम यूज करते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू लिव इन लखनऊ। मैं कहाँ रहती थी? आई यूज टू यानी पास्ट में, आई यूज टू लिव इन लखनऊ। अब सबको पता है, देख नहीं सकते बट पता सबको है कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पर बाउंड्री है। अगर मैं आपको अगला एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल द सिटी ऑफ बैंकॉक इज इन थाईलैंड। तो बैंकॉक शहर जो है वो कहाँ पर है? थाईलैंड के अंदर है। तो एक बार फिर से हमें पता चला कि पूरी कंट्री की एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के अंदर में बैंकॉक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम इन माई रूम। अब ये जो रूम है भाई, इसकी भी तो बाउंड्रीज हैं।
तो एक बार फिर आप समझ चुके हैं कि जब भी बाउंड्री के साथ कोई प्लेस और लोकेशन होती है तो वहाँ पर हम इन प्रपोजिशन को यूज करते हैं। और ये क्या हो गया भाई, क्योंकि हम लोकेशन और प्लेस के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब इन जो है क्या बन गया, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस बन गया। और इसके पहले जब मैंने आपको मंथ और डेज और टाइम के हिसाब से बताया था तो वहां पर इन प्रपोजिशन ऑफ टाइम का काम कर रहा था। इसी तरह से बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन की, विच इज ऑन। ऑन का पहला यूज कहां पर कर सकते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं टाइम की। द वर्ड ऑन इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइम, इट बिकम्स प्रपोजिशन ऑफ टाइम। एंड वेयर डू वी यूज इट, फॉर स्पेसिफिक डेट्स एंड डेज, तारीखों और दिनों के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 24th, उसका जन्म हुआ था सितंबर 24 को। सो ही वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 24th। आई गो टू द जिम ऑन मंडेज, मैं जिम जाती हूँ मंडेज। तो अभी आपने समझा कि ऑन का यूज एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम कहाँ पर कर रहे हैं, स्पेसिफिक डेज के लिए। नेक्स्ट, जब भी हम बात कर रहे होते हैं प्लेसेस की, ऑल्सो स्पेसिफिक डेट्स के लिए भी हमने ऑन का यूज देखा वहां पर, जैसे सेप्टेम्बर 24th या फिर 24th सेप्टेम्बर। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखते हैं, जब भी हम बात कर रहे होते हैं प्लेसेस की तब भी हम यूज कर सकते हैं ऑन को। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑन इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। जब भी हम किसी सर्फेस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं कि ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मान लीजिए मैंने ये रिंग निकाल करके रख दी है, तो मैं कहूंगी द रिंग इज ऑन द टेबल। तो ये सर्फेस है, एक सतह है, और सतह के ऊपर रखी हुई मेरी रिंग थी, तो मैंने क्या कहा, द रिंग इज ऑन द टेबल। और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि आई लेफ्ट द कीज ऑन द काउंटर, मैंने चाबी कहाँ छोड़ी थी, काउंटर के ऊपर। सो इस तरह से जब आप यूज करते हैं ऑन को किसी भी वस्तु की, इंसान की लोकेशन बताने के लिए, उसके सरफेस पे जब कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, तो अभी मैं एक टेबल पर बैठी हुई हूँ। सो चेयर के लिए दूसरी प्रपोजिशन होती है, बट फॉर टेबल यू से आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज एट, प्रपोजिशन एट। एट को भी हम यूज कर सकते हैं सबसे पहले टॉकिंग अबाउट टाइम के लिए। अब देखो, एट को जब हम यूज करेंगे तो हमको बहुत ध्यान देना होगा कि हम बिल्कुल स्पेसिफिक, यानी एक निश्चित समय के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करना। फॉर एग्जाम्पल आई विल सी यू एट 8 PM, मैं तुमसे मिलूंगी 8 बजे। सो बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने आपसे कहा है कि घड़ी में जब शाम के 8 बजेंगे एग्जैक्टली तब मैं आपसे मिलूंगी, राइट? सो एक एग्जैक्ट टाइम के लिए आपने एट यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है माई इंटरव्यू इज एट 3 PM, मेरा इंटरव्यू कब है, 3 बजे शाम को है। नेक्स्ट यूज एट का हो सकता है व्हेन टॉकिंग अबाउट प्लेसेस, अगर हम एक स्पेसिफिक प्लेस में खड़े हैं। बाउंड्री का होना नहीं होना यहाँ पर मैटर नहीं करता है दोस्त। देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ आई एम एट द एयरपोर्ट, तो अब मैं आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन बता दे रही हूँ कि हम एयरपोर्ट पर हैं, एयरपोर्ट के अंदर चले गए हैं, बाउंड्री के अंदर है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि राइट नाउ आई एम इन माई ऑफिस, अभी तो मैं ऑफिस की बाउंड्री के अंदर हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मैं लंच करने के लिए ऑफिस से बाहर जाती हूँ, सड़क के उस पार चली जाती हूँ, फिर मेरे घर से फोन आया वेयर आर यू, तो मैं क्या जवाब दूंगी, ये थोड़ी कहूंगी कि आई एम इन ऑफिस, क्योंकि मैं चार दीवारी के अंदर तो हूँ ही नहीं। मैं बोलूंगी आई एम एट ऑफिस, हूँ तो मैं ऑफिस की लोकेशन पे, लोकेशन तो मेरी ऑफिस ही रहेगी ना, तो मैं बाउंड्री के अंदर हूँ तो मैं इन यूज करूंगी, बाउंड्री के बाहर पर किसी लोकेशन पर हूँ तो मैं एट यूज करूंगी। एंड वी आर मीटिंग एट द कैफे, वो कैफे पे मिल रहे हैं, उसके अंदर भी जाके बैठेंगे, जब बैठेंगे तो कहेंगे आई एम इन द कैफे, बट वो मेरी लोकेशन है, वहां हम पहुंचेंगे तो हम कहेंगे वी आर मीटिंग एट द कैफे। तो ये तो भाई हमने आपको इन ऑन एट का फंडा समझाया। अब मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कि ये जो इंडस्ट्री में एक बहुत ही रैंडम तरीके का मिथ क्रिएट हो जाता है, इंडस्ट्री से मेरा मतलब टीचिंग इंडस्ट्री, क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में लोग आकर के यू नो दे टेल मी ऑफ दैट दिस इज नॉट करेक्ट, आप एक सेंटेंस को प्रेपोजिशन पर खत्म नहीं कर सकती हैं। तो इससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दिस इज अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
अगर मैंने आपको शुरुआत में सेंटेंस पूछा था दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव डैश, आपके सेंटेंस के एंड में अगर कभी भी टू प्लस वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है तो उसका अंत आप सूटेबल प्रेपोजिशन से करते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट करके बन जाएगा दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, तो आप डेफिनेटली अपने सेंटेंसेस को प्रेपोजिशन पर खत्म कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं एंड आपको शुरुआत में जो मैंने दो सवाल पूछे थे उनके आंसर्स के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट PDF आप लोगों के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन करवा रही हूँ, प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़िएगा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने उसमें क्विज भी डाला हुआ है, तो जो चीज़ें आप आज पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो भी आप सीख जाएंगे एंड इस कंटिन्यूएशन में इस सीरीज में मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर के आती रहूंगी। Don't forget to subscribe to the channel and don't forget to share the video with your friends.